बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ एसएम सादक और आप देख रहे हैं एसएम सादक किचन। मेरी तरफ़ से दुनिया के तमाम मुसलमानों को और मेरे चाहने वालों को, बहन भाइयों को, मेरी बेटियों को, बच्चों को, सबको मेरी तरफ़ से रमज़ान मुबारक। नाज़रीन, थोड़ी सी मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैंने एक लंगर का सिलसिला शुरू किया था। जो मैं पैसे कमाता था अपने ख़र्चे निकाल के, अपनी दवाइयों का ख़र्चा निकाल के, वो मैं हर हफ़्ते 200-300 लोगों को खाना खिला देता था। ये मेरा मामूल था हर पीर के दिन। लेकिन एक शख्स है जिसका नाम अकरम राई है, उसने मुझ पर केस दर्ज करवा दिए और वो कहता है कि मैंने आपका कोई गाना ज़िंदगी में गाया ही नहीं, और जितने मेरे शहर भाई हैं उन सब के गाने उसने अपने नाम पे रजिस्टर्ड करवा लिए। और लोगों के चैनल बंद करवाता था, उन पे जुल्म करता था, कोई उसके सामने नहीं आता था, क्योंकि वो एक क्रिमिनल आदमी है, सजा याफ्ता है। और उसने काफ़ी, मैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगा और उसके हर एक चीज़ मैं प्रूफ के साथ साबित करूंगा। तो उसकी वजह से मैं वो लंगर नहीं लगा सका, तो जिसके लिए मैं दिल से माजरत खाऊं। अभी तो मेरा प्रोग्राम था कि मैं बहुत ज़्यादा एक डब्बे प्रिंट करवाता और घर घर जाकर मैं इफ्तारी का सामान देता, जितनी मेरी औकात है। औकात मेरी क्या है, ये तो रब देता है बंदे को, मैं कौन हूँ किसी को देने वाला। बहरहाल, इतनी परेशानी में भी ये मेरी एक आँख जो है ना, इसकी रोशनी चले गई है, मुझे अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो कल भी मैं सारा दिन डॉक्टरों के पास रहा हूँ, चार डॉक्टरों के पास। अनवर चौधरी है यहाँ पे, बहुत बड़े डॉक्टर, न्यूरो सर्जन है, उन्होंने कहा कि आपकी आँख की वेन के पीछे जो है ना वो फालज हो गया है, तो आपको टाइम लगेगा आपकी रोशनी वापस आने में। तो आप सब बहन भाई मेरे लिए दुआ करें कि ये मेरी आँख की रोशनी वापस आ जाए। तो जैसा कि मैंने अकरम राई पर और उसके बेटे पर, जो कि अकरम राई की तरह का ही है, तो उसने मेरे सारे कलामों पर, आप अगर देखना चाहते हैं तो अकरम राई के चैनल पे जाएं, जितने मेरे गाने हैं सब पे लिखा हुआ है कि शायर अकरम राई, कंपोज़र अकरम राई, प्रोड्यूसर अकरम राई। ये उसकी छोटी सी दास्तां है, बाकी उसके जुर्मों की दास्तां तो इतनी लंबी है कि अगर मैं 10 साल भी सुनाता रहूं तो वो ख़त्म नहीं हो सकती। मैं आप मुद्दे पर आता हूँ कि आज हमने, ये मेरा पीछे घर है, स्टोर है मेरा, हमने 5-6 हज़ार बोतल जो है ना वो मंगाई है, और रूह अफज़ा मंगाया है, खजूरों के पैकेट मंगाए हैं, क्वालिटी वाला सामान मैं अफ्तारी करवाऊंगा 200 लोगों की, 300 लोगों की। ये लंगर पक रहा है, ये उधर दिखाएं, वो जो मेरा बवर्ची है लियाकत साहब, वो लंगर पका रहा है। हर चीज़ क्वालिटी के मुताबिक है, हर चीज़ में वो चीज़ है जो हमने अपने घर में खानी है। तो मैं इंशाल्लाह, आप मेरे साथ रहिए, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी सेहत के लिए मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा कि वो क्लोज करके मेरा चेहरा आपको दिखाए, ताकि आपको पता चल सके कि मेरी सेहत कितनी ख़राब है। इसके बावजूद भी मैंने कहा है, रमज़ान है, शायद हम आने वाले रमज़ान में मैं होऊंगा कि नहीं होऊंगा, तो मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला मुझे सेहत अता करे। चाहने वालों की दुआएं ऐसे लगती हैं जैसे सीधा गोली का निशाना लगता है। तो अल्लाह आप सब का हामी व नासिर हो। मैं आपको दिखाऊँगा कि आज हम क्या पका रहे हैं, और मेरे साथ रहना है आप।
तो नाज़रीन जैसे आपने देखा कि रूह अफ़ज़ा भी बन रहा है, बड़ा खूबसूरत लग रहा है और बिल्कुल ये प्योर क्वालिटी का रूह अफ़ज़ा हम लेके आए हैं। और इसके अलावा ये जो डब्बे हैं ये डिस्पोज़ल सारे, और नाज़रीन इंशाल्लाह ये हम पूरे 30 दिन जितने दिन भी रमज़ान रहेगा हम रोज़ाना 200-250 लोगों को अफ्तारी करवाएँगे। और आप मेरे लिए आपने दुआ करनी है कि मेरी आँख की जो रोशनी है वो वापस आ जाए और मैं अपने पाँव पर खड़ा हो जाऊँ। इंशाल्लाह वो ऊपर जो बैठा है ना वो खूब दिलों के भेद जानता है, ठीक है। तो आपने सब ने ये फैसला करना है मुझे कमेंट्स बॉक्स में कि क्या अक्कन भाई ने मेरा कोई गाना गाया है या नहीं गाया। आप लोग तो सब जानते हैं कि इसको उंगली पकड़ के चलाने वाला ही मैं हूँ। अब ये कहता है, इसका मैसेज सुने मेरे पिछली वीडियो में, कहता है मैंने आपका कोई गाना ही नहीं गाया। इतना ये झूठा शख्स है कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो आपने मुझे ज़रूर बताना है और मेरे लिए दुआ करनी है कि सेहत के लिए दुआ करनी है। अल्लाह आपके घरों पर अपनी रहमत रखे, रहमतों का साया रखे, आप रमज़ान के रोज़े रखें और अपनी बख्शिश का सम्मान करें और मेरे लिए भी दुआ करें। अल्लाह आप सबका हामी व नासिर हो। एसएम सादिक को दीजिए इजाज़त, क्योंकि डॉक्टर ने तो मुझे कहा है कि आपने रोज़ा नहीं रखना, लेकिन आज मेरा रोज़ा था तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा जितने रोज़े रख सकूँ। तो आप भी रोज़े रखें, अपनी बख्शिश करवाएँ। मेरे रब का फरमान है या मेरे नबी का फरमान है कि जिसने रमज़ान पाया और अपनी बख्शिश ना करवाई वो बदबख्त इंसान है। तो आप रोज़े रखें, अपनी बख्शिश का सम्मान करें। एसएम सादिक को दीजिए इजाज़त, अगर सेहत ने इजाज़त दी तो फिर हाज़िर होऊंगा, वरना फिर मैं 10-15 दिन बाद दोबारा फिर व्लॉग बनाऊँगा। ये सिलसिला हमारा रोज़ाना चलेगा, जितने दिन रोज़े रहेंगे ये सिलसिला चलता रहेगा। अल्लाह आप सबको अपनी अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।